हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लेके आई हूँ मैं न्यू रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और मज़े से होंगे और बहुत बहुत खा रहे होंगे। तो चलिए झटपट एक रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल निरामिष जो सब्जी है ये वेज सब्जी, बिना गार्लिक बिना ऑनियंस का। तो चलिए कैसे बनाते हैं, और बिल्कुल अच्छी और हेल्दी फूड है ये। तो इसमें है पपीता है, और सोयाबीन है, आलू है, बैंगन है, और है परवल। तो इतनी अच्छी सब्जी है और खाने में बहुत ही लाजवाब मज़ेदार सी। चाहिए हमें अदरक, टमाटर और हरी मिर्ची, और सूखा पाउडर मसाला में चाहिए हमें बहुत कुछ, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, और है पंचफोरन जिसको बोलते हैं वही चाहिए। तो बस हमारी कढ़ाई हो चुकी है गरम, और हमने डाल दिया है इसमें मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में डाल दिया हमने पंचफोरन। जैसे थोड़ा चटक गए हैं तो हमने डाल दिया सब्जियाँ। सब्जियाँ भी हम थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। सब्जी को फ्राई करने से एक जो रॉ स्मेल है वो चली जाती है, बहुत खुशबूदार सब्जी बनती है। अभी नमक और नहीं डालना है, पहले थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, उसके बाद ही नमक डालेंगे। अभी आप अगर नमक डालोगे तो उसमें से पानी छोड़ने लगेंगे, तो फ्राई आपका होगा नहीं। और हमने जो पेस्ट बना लिया है, जो हरी मिर्च, अदरक और टमाटर का, और यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। अब हम डाल रहे हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर हाफ चम्मच, और 1 टीस्पून दिया हमने जीरा पाउडर, 1 टीस्पून दिया हमने हल्दी पाउडर। तो थोड़ी देर और हम भून लेंगे, ताकि जो मसाला का भी जो रॉयल स्मेल है वो भी चली जाए। थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा चाहिए, आप कम ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा देंगे तो टेस्टी बहुत होते हैं। तो अभी हम डाल देंगे जो सोयाबीन है, सोयाबीन को मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के मैंने सोक कर लिया है, तो बहुत ही टेस्टी बनती है सोयाबीन, अगर सोयाबीन में नमक भी जाए तो। अभी हम सोयाबीन को सब कुछ हम फ्राई कर लेंगे। तो अब हम डाल देंगे जो पिसा हुआ मसाला है, हमने ग्राइंड किया था जो मसाला डाल देंगे। इसी को हम फिर से फ्राई करने लगेंगे अभी, ताकि मसाला हमारा सूख जाए, तेल छोड़ने लगे, तब तक हमें भूनना है। और तब तक हमारी जो सब्जियां हैं वो भी गलती रहेंगी, मतलब पकती रहेंगी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर देती हूँ, जो ऑल जो मेरे फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। और जो अभी मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, प्लीज़ फ्रेंड आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर जरूर हिट कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द से जल्द आ जाऊँगी। देखिए हमारी सब्जी हो चुकी है तैयार, और साथ में हमने ऊपर से डाल दिया धनिया, जो ताज़ा धनिया मैंने काट के डाल दिया, धनिया पत्ता। तो लाजवाब सब्जी है दोस्तों, बना के खाए गर्मा गर्म रोटी या